कैसे हो जी? कैसे सब लोग? आवाज आ रही सबको? आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए तो शुरुआत करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पीपीटी ला रहा हूं। कल कहां तक हुआ था? अकबर के बारे में कहां तक हुआ था? अकबर के सुधार हो गए थे, जहां तक मुझे याद है कि अकबर के हमने सुधार कर लिया था, राइट? अकबर के हमने सुधार कर लिया था, ठीक है। तो मिनट वेट कीजिए, बस पीपीटी ला रहा हूं। आज हमें कंप्लीट भी करना है और साथ साथ में ना केवल कंप्लीट करना है बल्कि साथ साथ में हमें कल से मॉडर्न भी शुरू करना है। चलिए देखिए, वेरी गुड इवनिंग सभी को। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं सब लोग? चलिए देखिए, दिखाई दे रहा सबको? स्टार्ट करूं? स्टार्ट किया जाए? आज नहीं हो पाएगा। आज शहनवाज जी, आज थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा कंप्लीट कर लें, थोड़ा सा कम बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद शुरुआत करते हैं, ठीक है ना? चल देखिए, ध्यान से। अकबर के बारे में चल रहा था, अकबर की बात कहते। जी हाँ दोस्तों, इसके समय में, या देखिएगा, इसके समय में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। मनसबदारी व्यवस्था व्यवस्था की शुरुआत की गई थी ना, यानी इसके समय में सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई, ठीक है, की गई थी, ठीक ना? चलिए, आयो क्या दखल हो गया। अब मनसबदारी व्यवस्था क्या थी दोस्तों? मनसबदारी था क्या, समझिए ध्यान से। मनसबदारी व्यवस्था में क्या था? मनसबदारी व्यवस्था में दो चीजें थी। पहला जात रैंक, दूसरा क्या था जी? सवार रैंक। सवार रैंक था, ठीक ना? जात रैंक और सवार रैंक, ठीक ना? अब यहां पे समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए इसका नाम श्याम है। क्या नाम? श्याम है। और श्याम एक मनसबदार है, ठीक है। और इसकी जो मनसबदारी है वो 5,000 ही है, इसे 5,000 का मनसबदार दिया गया है, ठीक ना? अब मान लीजिए ये पंकज है, ठीक है, इसे इसे 3,000 का मनसबदार दिया गया है। ये 3,000 का मनसबदार है, ठीक है। तो ये 5,000 वाला जो है, ठीक ना, ये 5,000 वाला बड़ा अधिकारी है, बड़ा अधिकारी है, और 3,000 वाला जो है छोटा अधिकारी है, ठीक ना? तो जात रैंक क्या बताता था? पद, ठीक ना, पोस्ट को बताता था, कोई दिक्कत तो नहीं है। और सवार रैंक बताता था। अब जैसे इसका 3,000 का मनसबदार है, तो इसके पास कम से कम 1,500 घुड़सवार होंगे। कितने घुड़सवार होंगे? 1,500 घुड़सवार होंगे। ये अकेला एक 1,500 घुड़सवार का मालिक होगा, क्लियर है? अभी 5,000 का है,
तो 5,000 का आधा कितना हुआ, 2,500। इसके बाद 2,500 क्या होंगे, घुड़सवार होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको? तो यानी कि सवार रैंक से क्या, जी हाँ दोस्तों, इसके पास सेना कितनी होगी, घुड़सवार सेना कितनी है इसको बताता है। क्लियर, कौन सी सेना, घुड़सवार वाली। यहां तक क्लियर हो गया सबका, डन, क्लियर, अच्छी तरह से डन, पूरी तरह से क्लियर हो गया बता दीजिए, यहां तक क्लियर हो गया बता दीजिए प्लीज। यानी अगर देखा जाए तो अकबर के समय में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। मनसबदारी में दो चीजें थी, पहला जात रैंक, दूसरा सवार रैंक। जात रैंक से व्यक्ति का पद और सवार रैंक से क्या, जी हां दोस्तों, देखिएगा सवार रैंक से क्या, तो उसके पास कितने घुड़सवार हैं इसका हमें पता चलता था। कोई दिक्कत तो नहीं है, डन, क्लियर हो गया दोस्तों, सबका डन हो गया। अमरजीत भाई कहां रह गए थे, फिर से रिपीट करने को कह रहे हो, लेट जुड़े हो। मनसब का मतलब समझ में नहीं आया, मनसब जो होता था ठीक ना, एक क्षेत्र होता था, देखिए मनसबदारी, ये अकबर का साम्राज्य है, ये कोई पर्टिकुलर क्षेत्र है, इसको बोल देते हैं मनसब, ठीक है, क्या बोलते थे, मनसब। और इसका अधिकारी जो था क्या कहलाता था, मनसबदार। ठीक है, याद रखिए। अब इस मनसबदार के कई सारे क्या होते थे, कई सारे मनसबदार थे, ठीक ना। तो मनसबदार में दो चीजें होती थी, इसके दो पार्ट, पहला जात रैंक, जात रैंक से इसका पद पता चलता था, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कर्नल है, तो भाई कर्नल है तो समझ में आ रहा है, बड़े रैंक का अधिकारी है। अब कोई सैनिक है तो छोटे रैंक का अधिकारी है, समझ में आ गया। जात रैंक से उसका पद पता चलता था, यानी कि पोस्ट। और दूसरा था सवार रैंक, सवार रैंक का मतलब था इसके पास कितने घुड़सवार है, इसके पास कितने घुड़सवार है, कितने घुड़ सवार है, क्लियर हो गया। अब मैंने एग्जाम्पल से दिया कि ये पवन है, ये जो पवन है, पवन जो है ये 5,000 का मनसबदार है। तो 5,000 का मतलब क्या हो गया, ये जात रैंक हो गया इसका, ये इसका जात रैंक हो गया। अब इस पवन के पास कितने घुड़ सवार रैंक होंगे, सवार कितने होंगे इसके पास, तो इस 5,000 का आधा कितना हुआ, 2,500। क्लियर हो गया, डन हो गया जी, क्लियर सबका। हाँ, कल से मॉडर्न शुरू होगा, कल से मॉडर्न शुरू होगा, डन। सुमित भाई आपका जो क्वेश्चन है, सुमित भाई का क्वेश्चन देखिए ध्यान से सब लोग, सुमित भाई का क्वेश्चन देखिए। सुमित भाई कल आपने रिकॉर्डिंग मतलब लाइव क्लास किया था या रिकॉर्डिंग देखा था, लाइव क्लास देखा था या रिकॉर्डिंग देखा था? कल क्या समझाया था कि अकबर जो था, अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ था, और अमरकोट के शासक कौन थे, विसलदेव थे। और विसलदेव कौन थे, तो हुमायूं के क्या थे, हुमायूं के दोस्त थे, ठीक ना। जब जब हुमायूं संकट की स्थिति में था, तो उसने अपने पति और पत्नी और पत्नी और अपने जितने भी सगे संबंधी थे सबको कहां पे सुरक्षित रखा था, तो यहीं पे सिंध के अमरकोट में रखा था, क्योंकि विसलदेव क्या थे, राजा थे। और यहीं पे हुमायूं जो था क्या करता था, आना जाना करता था, ठीक ना। अरे क्लियर है, तो इतनी बात समझ में नहीं आई आपको। मान लीजिए सुमित कुमार जी, आप जो है
आप जो है मान लीजिए कमाने के लिए दिल्ली आ गए, कमाने के लिए दिल्ली आ गए, ठीक है, और दिल्ली में आपके पास घर है नहीं, लेकिन आपका कोई दोस्त है जो बहुत ही मजबूत प्यारा दोस्त है, तो आपने अपने पूरी फैमिली को उस दोस्त के यहाँ पे रख दिया और अपना कमाने माने चले गए बाहर, कमा रहे हैं दिल्ली में ही कमा रहे हैं, शाम को लौट के आ रहा है ना घर पे, अरे लौट के किसके घर पे आएगा, अपना दोस्तों का घर पे आप आएगा ना, सोएगा ना, अरे हाँ है ना, समझ में आ गया। अच्छा ठीक, यहां तक क्लियर हो गया दोस्त आपका, चल यहां तक डन, यहां तक सबका डन हो गया। तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, अकबर के समय में, पहला अकबर के समय में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत, मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत, शुरुआत पहला हो गया अकबर के समय में, टोडरमल ने जाति व्यवस्था की शुरुआत की थी, जाति व्यवस्था की शुरुआत की थी, इस जाति व्यवस्था की बात करें, जो जाति व्यवस्था की जो शुरुआत की थी, इसमें भूमि माप के आधार पर, भूमि के माप के आधार पर लगान लगान लिया जाता था, हो गया। यानी अकबर की बात क्या, तो अकबर के समय मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत हुई और इसी समय में टोडरमल ने जाति व्यवस्था की शुरुआत किया था। जाति व्यवस्था में भूमि को माप करके लगान लिया जाता था, डन, क्लियर हो गया जी। तीसरा, इसके दरबार में नवरत्न थे, ठीक है ना, इसके दरबार में क्या थे, नवरत्न थे, ठीक है ना। अब ये नवरत्न कौन थे, नोट कर लीजिएगा, पहला अबुल फजल था, अबुल फजल था, फैजी था, याद रखिएगा, अबुल फजल फैजी, साथ साथ में जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, अबुल फजल था, फैजी था, टोडरमल था, साथ साथ में कौन, जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, तानसेन था, तानसेन के साथ साथ कौन, जी हाँ दोस्तों, बीरबल था, मेरे साथ कौन, मुल्ला दो प्याजा था, अजुद्दीन था, मानसिंह था, हो गया नौ। देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा छूट गया, अबुल फजल, फैजी, टोडरमल, एक और आ गया, अब्दुल रहीम खाने खाना, आई होप यहां क्लियर होगा, ठीक है ना। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा, यानी नवरत्न की बात करें, नौ विद्वान थे, अबुल फजल, फैजी, टोडरमल, तानसेन, बीरबल, मुल्ला दो प्याजा, अजुद्दीन कोका, और शासन क्या, मानसिंह, और साथ साथ में जी हाँ दोस्तों, अब्दुल रहीम खाने खाना, क्लियर है सबका। और टोडरमल किस पोस्ट पे था, टोडरमल जो था फाइनेंस डिपार्टमेंट था, ये वित्त मंत्री था, अकबर का वित्त मंत्री था, डन, सौरभ सुमन जी क्लियर है, टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था, डन, फाइनेंस डिपार्टमेंट इसी के पास था, क्लियर हो गया, सबका बताइए प्लीज, यहां तक क्लियर हो गया, अरे क्लियर है जल्दी बताइए प्लीज, सबका हो गया,
अकबर के समय में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, साथ साथ में अकबर के समय टोडल मन ने जाति व्यवस्था की शुरुआत की थी, इसमें भूमि माप के आधार पर लगान लिया जाता था, ठीक है। इसके दरबार में नवरत्न थे, नवरत्न इसके दरबार में थे, क्लियर है सबका, क्लियर है, बताइए सबका डन, क्लियर, जल्दी बताइए प्लीज, सबका डन है, बताइए। अकबर के समय में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत थी, अकबर के समय में टोडरमल ने जाति व्यवस्था की शुरुआत किया था, इसने भूमि माप के आधार पर लगान लिया जाता था, डन है, क्लियर, बताइए। इसके दरबार में नवरत्न थे, ठीक है, इसके दरबार में कितने थे, नवरत्न थे, कौन कौन, अबू सजल, फैजी, टोडरमल, तानसेन, बीरबल, मुल्ला दो प्याजा, अज्जुद्दीन, मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, क्लियर हो गया सबका, क्लियर, हो गया सबका, सबका डन, चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट या देखिएगा, अकबर के समय में, अकबर के समय में, अकबर के समय में, अकबर के समय में याद रखिएगा, अबुल फजल ने, अबुल फजल ने आईने अकबरी, आईने अकबरी और अकबर नामा की रचना की थी, अकबर नामा की रचना की थी, रचना की थी, क्लियर हो गया। अकबर के समय में अबुल फजल ने, याद रखिएगा, अकबर के समय में अबुल फजल ने आईने अकबरी और अकबर नामा की रचना की थी, डन, यहां तक क्लियर हुआ, नहीं भगवान दास नहीं थे, भगवान दास नहीं थे, नौ लिख दिया ना मैंने ना पूरा, ना नाइन जेम्स लिखा तो अभी आपको पूरा नाइन जेम्स अभी लिखा था, हो गया। अकबर के समय में अबुल फजल ने आईने अकबरी और अकबर नामा की रचना की थी, डन, सबका क्लियर हो गया, सबका डन हो गया, बता दीजिए प्लीज, लास्ट में डाउट ले लूंगा, एक बार लास्ट में डाउट ले लूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना, यहां तक क्लियर, चलो अकबर ने, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, लाहौर का किला, अकबर ने इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला और साथ साथ में फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी और आगरा का किला का निर्माण कराया था, आगरा का किला का निर्माण कराया था, निर्माण कराया था, डन हो गया जी। नहीं अकबर ने, याद रखिएगा, अकबर ने इलाहाबाद का किला, अकबर ने इलाहाबाद का किला, फतेहपुर सीकरी, साथ साथ में आगरा का किला और साथ साथ में लाहौर का किला का निर्माण किया था, ठीक है, यहां तो हो गया सबका, बताइए हो गया सबका, सबका डन। यानी अकबर के समय में अबुल फजल ने आईने अकबरी, अकबर नामा की रचना की थी, अबुल फजल ने आईने अकबरी और अकबर नामा की रचना की थी, अकबर ने इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, फतेहपुर सीकरी, आगरा के किले का निर्माण किया था, हो गया सबका, सबका डन, याद रखिए, क्लियर, दो चीज याद रखिएगा,
आईने अकबरी अकबर नामक की रचना अबुल फजल ने की थी, और अकबर ने इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, फतेहपुर सीकरी और आगरे के किले का निर्माण किया था। डन, सबका क्लियर, सबका हो गया जी, सबका हो गया, जल्दी कीजिए दोस्तों, जल्दी कीजिए। सोलह सौ पांच ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई थी, अकबर की मृत्यु हुई थी, नेचुरल डेथ थी, बीमारी से इसकी मृत्यु हो गया था, ठीक ना, इसे पेचिस हो गया था, इसे पेचिस हो गया था, किसको, अकबर को, अकबर को पेचिस हो गया था, पेचिस के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना, क्या हो दोस्तों, पेचिस हो गया, ठीक है ना, चलिए, पेचिस हो गया था, अकबर को पेचिस हो गया था, पेचिस, ठीक है ना, जिसके कारण से इसकी मृत्यु हुई, हैजा, ठीक है, हो गया। आज जोधा का जिक्र इसलिए नहीं किया कि जोधा इसकी बीबी नहीं थी, जोधा जहांगीर की पत्नी थी, समझ आ रहा ना, हैजा होता है मनीष कुमार जी, हैजा होता है, इसकी पत्नी का नाम हरखाबाई था, फियाज अनवर इसकी पत्नी का नाम, इसकी पत्नी का नाम हरखाबाई था, हरखाबाई, हरखाबाई इसकी पत्नी का नाम था, ठीक है ना, हो गया, हरखाबाई इसकी पत्नी का नाम था, डन, चलो, जो इसकी पाशा बेगम थी, पाशा बेगम हरखाबाई थी, ठीक है, जोधाबाई इसकी पत्नी का नाम नहीं थी भाई, संभव कुमार जी उस समय जो शासक होते थे, देखिए उस समय जो शासक होते थे उनकी कई सारी पत्नियां होती थी, लेकिन एक ही पत्नी को वो बादशाह बेगम का पदवी देते थे, ठीक है, जैसे सलीमा बानो बेगम कह रहे हैं, जैसे रुकैया बेगम कह रहे हैं, जैसे हरखाबाई कह रहे हैं, ये सब अकबर की पत्नी थी, लेकिन जो इसमें जो सर्वे सर्वा, पत्नियों में जो सर्वे सर्वा थी वो क्या नाम था, जी हाँ दोस्तों, देखिएगा, हरखाबाई था, ठीक है। अकबर अपने टाइम पीरियड में यहाँ पे दिल्ली में एक मीना बाजार लगाता था, दिल्ली में एक मीना बाजार लगाता था, वहां पे खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां आती थी, ठीक ना, उनको अपने हरम में रखता था, हरम समझ में आता है, अरे हरम समझ में आता है, ठीक ना, यानी अकबर जो था अपने टाइम पीरियड में एक मीना बाजार लगवाता था, ठीक ना, समझ में आ रहा है, उसमें खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां आती थी, तो जो अकबर को पसंद आती थी उसको अपने हरम में रखता था, ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अकबर का जोधा का नाम क्यों जोड़ा जाता है, श्रेया सुमन जी, इतिहास में जोधा का इम्पैक्ट मुगल साम्राज्य पे काफी ज्यादा था, दूसरी तरफ जो था अकबर का इम्पैक्ट मुगल काल में ज्यादा था, तो सीरियल वालों ने या फिल्म वालों ने क्या किया कि जोधा और अकबर को जोड़ करके स्टोरी क्रिएट कर दिया, समझ में आया, इतिहास में जोधा बाई को ही एज ए हरखाबाई की पदवी दी गई है, याद रखिएगा, लेकिन ऑन डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो जोधाबाई किसकी पत्नी थी, जोधाबाई जहांगीर की पत्नी थी, क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या वेद प्रकाश जी सारा खोल के पूछोगे, हरम नहीं समझ में आता है, हरम समझ में नहीं आता, जहां पे लड़कियों को रखा जाता था और जिनसे फिजिकल रिलेशंस बनाए जाते थे, फिजिकल रिलेशंस क्रिएट किया जाता था, जिस जगह पे फिजिकल रिलेशंस क्रिएट किया जाता था उसी को हरम कहते थे, ठीक है, और क्लियर हो गया, आगे बढ़ो, चल आगे बढ़ते, ठीक ना, जजिया कर को तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है, जजिया कर तो ऑलरेडी बता चुका हूं कि अकबर ने समाप्त किया था, ठीक है, चलो देखिए, अकबर की बात करें, इसका पुत्र था जहांगीर, अब जल्दी हो जाएगा क्योंकि अकबर में कंटेंट ज्यादा था, ठीक ना, इसका टाइम पीरियड था 1605 ईस्वी से
कितना था जी, 1627 ईस्वी तक इसने शासन किया था। ठीक है, जहांगीर की बात करें, जहांगीर के जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। क्या दोस्तों? सलीम था, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, इसी जहांगीर को अकबर जो था इसे जहांगीर को शेखो बाबा बुलाता था। शेखो बाबा, जहांगीर को क्या बुलाता था? शेखो बाबा। ठीक है ना, प्यार से इसको शेखो बाबा बुलाता था। किसको? इसी जहांगीर को, यानी अकबर का पुत्र जहांगीर था। अकबर का पुत्र कौन? जहांगीर। इसके बचपन का नाम सलीम था और इसे शेखो बाबा के नाम से जाना जाता था। इसी जहांगीर की बात करें तो 1608 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस भारत आया था। कौन आया था दोस्तों? विलियम हॉकिंस ने भारत की यात्रा किया था और इसी विलियम हॉकिंस को दोस्तों खान की उपाधि दिया था। किसकी उपाधि दिया था? खान की उपाधि दिया था। क्लियर है? खान की क्या दिया था? उपाधि दिया था। यानी जहांगीर की बात करें तो इसके बचपन का नाम सलीम था, इसे शेखो बाबा के नाम से जाना जाता है। इसी ने 1608 ईस्वी में, इसके टाइम पीरियड में 1608 में विलियम हॉकिंस ने भारत की यात्रा किया था और इसी विलियम हॉकिंस को खान की उपाधि दी गई थी। यही जहांगीर था। इसने अपने टाइम पीरियड में तंबाकू पर रोक लगाया था। तंबाकू, तंबाकू के सेवन पर रोक लगाया था। याद रखिएगा, सेवन पर रोक लगाया था। याद रखिएगा, ऐसा करने वाला कौन सा शासक था? जहांगीर था। ठीक है, शासन दोस्तों देखिएगा, इसने अपने टाइम पीरियड में, जी हाँ दोस्तों, न्याय का घंटा की स्थापना किया था। न्याय का घंटा, याद रखिएगा, न्याय का घंटा की स्थापना किया था। न्याय का घंटा होता क्या था कि दरबार के बाहर एक घंटा की स्थापना किया था। ठीक है, कोई भी फरियादी इसको बजा सकता था। ठीक है, न्याय के इस घंटे को बजाने से पता चलता था कि कोई व्यक्ति दरबार के पास खड़ा है जो न्याय चाहता है। अतः न्याय का घंटा स्थापित किया था। किसने? इसी जहांगीर ने। ठीक है ना, यानी जहांगीर की बात करें तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, इसे शेखो बाबा के नाम से जाना जाता है। 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस ने भारत की यात्रा किया था और विलियम हॉकिंस को खान की उपाधि दी गई थी। शासन में जहांगीर ने तंबाकू के सेवन पे रोक लगाया था और इसी के टाइम पीरियड में न्याय का घंटा की स्थापना किया गया था। डन है सबका? याद, क्लियर? जिसे जंजीरे अदल भी कहते थे। ठीक ना, 1605 से 1627 से भाई जी, 1605 से 1627, 1605 से 1627 लिखा है मेरे भाई, 1605 से 1627 हो गया यहां तक सबका। 1605 से 1627 तक, क्लियर सबका? डन। यानी बचपन का नाम सलीम था, इसे शेखो बाबा के नाम से जानते थे। 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस ने भारत की यात्रा किया था और विलियम हॉकिंस की बात के इसे खान की उपाधि दिया गया था। तंबाकू के सेवन पर रोक लगाई थी। न्याय का घंटा की स्थापना किया था। डन हो गया जी, सबका डन है। चलिए, आई होप कि यहां तक सबने कर लिया हो। ध्यान समझिएगा, जी हाँ दोस्तों, देखिएगा, जी हाँ दोस्तों, देखिए, इसके समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, यानी इसके टाइम पीरियड में चित्रकला बहुत ज्यादा डेवलप हुआ था। चित्रकला का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ था ना, यानी इसके समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। और याद रखिएगा, इसकी जो पत्नी थी, इसकी पत्नी का नाम नूरजहां था। नूरजहां, नाम सुना है? नूरजहां था। इसे पादशाह बेगम की उपाधि दी गई थी। बेगम की
उपाधि दी गई थी, उपाधि दी गई ठीक ना। 1627 में जहांगीर की मृत्यु, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है, इतना ही करना है ठीक है। इसके समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। इसकी पत्नी का नाम नूरजहां था, इसे पादशाह बेगम की उपाधि दिया गया था। 1627 में जहांगीर बीमार हुआ और बीमारी के कारण इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। डन, याद हो गया। खान की उपाधि परवेज भाई खान की उपाधि विलियम हॉकिंस को दिया था, विलियम हॉकिंस को दिया था ठीक है। खान की उपाधि जो था विलियम हॉकिंस को दिया था ठीक है। चलिए एक बार और देख लेते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, फिर से देखिए। अकबर के पुत्र का नाम जहांगीर था, 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन किया था, 1605 से 1627 तक शासन। इसके बचपन का नाम क्या, सलीम था, इसे शेखो बाबा के नाम से जाना जाता था। 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस को खान की उपाधि दिया था, 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस को खान की उपाधि दिया था। तंबाकू के सेवन पर रोक लगाई थी, जहांगीर ने तंबाकू के सेवन पर रोक लगाया था और न्याय का घंटा, न्याय का घंटा की स्थापना किया था, किसने, किसी जहांगीर ने, यानी जहांगीर ने जस्टिस बेल, शासन टैबैको के चेविंग पर रोक, साथ साथ में विलियम हॉकिंस को खान की उपाधि, बचपन का नाम सलीम और सिखो बाबा के नाम से जाना जाता है। इसके समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं, स्वर्णकाल बोले तो गोल्डन टाइम कहते हैं। इसकी पत्नी का नाम नूरजहां था, इसे पादशाह बेगम की उपाधि दी गई थी और 1627 में जहांगीर की क्या हो गई, मृत्यु। डन हो गया, हो गया सबका, हो गया सबका। यहां तो हो गया सबका, सबका क्लियर है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है जिसका कोई औचित्य नहीं है ठीक है। अनारकली, अनारकली की बात करें तो अनारकली सलीम की प्रेमिका थी, जिसे अकबर ने जो था जिंदा चुनवा दिया था ठीक है। यानी कि जिंदा जो था चुनवा दिया था, मतलब कहने का मतलब है कि अकबर ने जो सलीम जो था, सलीम वो किसे, अनारकली से प्यार करता था। और अनारकली जो थी एक डांसर थी, डांसर ठीक है, क्या थी दोस्तों, डांसर थी ठीक ना, और उससे प्यार कर बैठा था कौन, यही सलीम। बाद में अब चूंकि अकबर को लगा कि यार एक डांस नाचने वाली जो है ठीक है, मेरे दरबार में जो है बादशाह हिंदुस्तान की मलिका बनेगी, अतः इसको ध्यान में रखते हुए उसने इसको चुनवा दिया था। एक व्यक्ति पूछ रहा है जहांगीर का जन्म कब, जहांगीर का जन्म उतना खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है आपके पेपर के लिए, चूंकि आपने पूछा है तो जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में, 1569 में हुआ था, 1569 1569 में हुआ था ठीक है। और कुछ पूछना है, और कुछ पूछना है, और कुछ पूछना है, बैक साइड कर दें। ये फिर से देखिए, बच्चे ने बैक साइड का एक पॉइंट लिख लीजिए जहांगीर के समय में, एक बच्चे ने अच्छा पॉइंट दिया है। इसके समय में गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी गई थी, गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी ठीक है। तो क्लियर है, इसके समय में गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी गई थी, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी अकबर की बात करें तो अकबर का पुत्र जहांगीर था, जहांगीर के बचपन नाम सलीम था, शेखू बाबा के नाम से जानते हैं, विलियम हॉकिंस ने भारत की यात्रा किया था,
खान की उपाधि लिया था। इसके समय में तंबाकू के सेवन पर रोक लगाया गया था, न्याय के घंटे की स्थापना किया गया था। अब सबका हो गया, अब क्या आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ऑनली मेरे पास 25 मिनट बचा हुआ है, 25 मिनट में दो शासक कराने हैं, एक शाहजहां और दूसरा औरंगजेब, और कल से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करनी है, कल से मॉडर्न शुरू करना है, ठीक है, हो गया। गुरु अर्जुन देव जो थे सिखों के पांचवे गुरु थे, ठीक ना। ऐसा माना जाता है कि जहांगीर का जो पुत्र था उसको नाम था खुसरो, ठीक ना, खुसरो जो था जहांगीर का पुत्र था, ठीक ना, और इसने जहांगीर के अगेंस्ट विद्रोह कर दिया था। तो और सहायता करी थी किसने, इसी गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के पुत्र खुसरो की सहायता की थी, इसे जहांगीर आग बबूला हो गया और अर्जुन देव की हत्या करा दिया था, ठीक है। चले आगे बढ़ते, जहांगीर के बाद, जहांगीर के बाद आया कौन, शाहजहां। जहांगीर के बाद कौन है, शाहजहां, ठीक ना। अब याद रखिएगा, इसका टाइम पीरियड था 1627 से 1658 ईडी तक इसने शासन किया है। शाहजहां की बात करें, इसका वास्तविक नाम, इसका वास्तविक नाम, इसका वास्तविक नाम क्या था, इसका वास्तविक नाम खुर्रम था, खुर्रम इसका वास्तविक नाम था। इसकी पत्नी का नाम अंजुमत बानो बेगम था, अंजुमत बानो बेगम जो थी, इसकी पत्नी का नाम था, इसी को मुमताज महल कहते हैं, महल कहते हैं, याद हो गया। यानी इसका वास्तविक नाम क्या था, खुर्रम था। इतिहास में इसकी पत्नी का जो नाम था, पत्नी का नाम क्या था जी, तो जी हां दोस्तों, लिखिएगा, इसकी पत्नी का नाम अंजुमत बानो बेगम था, जिसे इतिहास में मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। हो गया सबका, हो गया सबका, हो गया सबका, जल्दी बताइए प्लीज। इसका वास्तविक नाम क्या था, खुर्रम था। पत्नी का नाम क्या था, अंजुमत बानो बेगम था। इसी को मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। क्लियर सबका, सबका डन, जल्दी बताइए प्लीज, सबका डन है, सबका डन है। जीरो लेवल, एक बच्चा कह रहा है जीरो लेवल से जानकारी चाहिए, जीरो लेवल से जानकारी मॉडर्न हिस्ट्री से मिलेगा, मॉडर्न हिस्ट्री से फिर से जीरो लेवल से शुरू करेंगे, ठीक है, जीरो लेवल से शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी, ठीक है। यहां तक हो गया सबका, यहां तक डन है, चल यहां तक डन है। आगे देखे, या देखे, शाहजहां की बात करें, शाहजहां की बात करें, इसके समय को स्थापत्य कला का, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, कहा जाता है। इसके स्थापत्य कला को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं, मतलब आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर टाइम पीरियड का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है। यानी दोस्तों, इसका वास्तविक नाम खुर्रम था, इसकी पत्नी का नाम अंजुमन बानो बेगम था, इतिहास में इसको मुमताज महल कहते हैं, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। याद रखिए, किसके टाइम पीरियड को, शाहजहां के टाइम पीरियड को, ठीक है। तीनों पॉइंट क्लियर है,
तीनों पॉइंट क्लियर है? यहां तक हो गया जी? यहां तक सबका हो गया? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल हो गया जी? यहां तो हो गया, सबका क्लियर है? यहां तक सबका डन? इसका वास्तविक नाम खुर्रम था, पत्नी का नाम क्या था? अंजुमन बानो बेगम था, और इसी मुमताज महल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना? ठीक है, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल क्या था? तीनों पॉइंट क्लियर? तीनों पॉइंट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। चलो साझा हो गया। शाहजहां की बात करें, शाहजहां अभी चल रहा है, ठीक ना? शाहजहां चल रहा है, ये देखिए इसने इसने 1639 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बनाया था। दिल्ली को राजधानी बनाया था। इसने 1639 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बनाया था, ठीक है? 1639 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बनाया था। इसने आगरे का ताजमहल ताजमहल आगरे का ताजमहल, लाल किला, दिल्ली का लाल किला, लाल किला कहाँ पे? दिल्ली में है, ये तो पता ही होगा। जामा मस्जिद, जामा मस्जिद का निर्माण निर्माण किया था, ठीक है? इसने 1639 में दिल्ली को राजधानी बनाया था। दिल्ली को क्या बनाया था जी? राजधानी। इसने 1639 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बनाया था। इसने आगरे का ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण किया था। किसने? शाहजहां ने। शाहजहां की बात करें तो शाहजहां ने, दोस्तों याद रखिए, आगरे का ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद का निर्माण किया था। किसने? शाहजहां, ठीक है ना? चलिए इसने महाना वेतन प्रणाली की शुरुआत किया था। शुरुआत किया था, मतलब इसको बोलते हैं महाना वेतन प्रणाली की बात होती है मंथ वाइज सैलरी, यानी मंथ वाइज सैलरी की शुरुआत की थी। किसने? इसी साल। हो गया जी? हो गया सबका? हो गया सबका? 1627 में, 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक इसका शासन है, ठीक है? नहीं, दिल्ली पहले राजधानी नहीं थी। दिल्ली पहले मुगलों के टाइम पीरियड में आगरा राजधानी थी। मुगलों के समय में आगरा राजधानी थी, मुगलों के समय में आगरा राजधानी थी। शाहजहां के समय में राजधानी को शिफ्टिंग किया था। शाहजहां के समय में शिफ्टिंग किया था। सैलरी की शुरुआत अलाउद्दीन ने किया था। हाँ, सुषमा सिंह जी, अगर दिल्ली सल्तनत में देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत में कैश नगद वेतन देना अलाउद्दीन शुरू किया था। अलाउद्दीन ने नगद वेतन शुरू किया था। इसने मंथ वाइज सैलरी देना शुरू किया था। मंथ वाइज सैलरी देने की शुरुआत किसने? इसी शाहजहां ने किया था। डन हो गया? सबका हो गया? हो गया सबका?
1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना, 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई थी, और इसके बाद जो रूलिंग शुरू हुआ शाहजहां शुरू हुआ, ठीक है ना, उसमें गलत नहीं दिया, 1628 में वो शासक बना था, ठीक है ना। हुआ क्या था कि एक बच्चा इसमें कंफ्यूज हो रहा है, स्नेहा, स्नेहा जी, हुआ क्या था कि 1627 में जब जहांगीर की मृत्यु हुई तो उस समय जो खुर्रम था वो साउथ इंडिया में था, साउथ इंडिया में था, ठीक है ना। जब साउथ इंडिया में था तो साउथ इंडिया से कहां पर, आगरा आने में ही उसको काफी समय लग गया था, ठीक है ना, आगरा में काफी समय लग गया था। तब तक जो है समय व्यतीत हो चुका था, और समय 1628 शुरू हो गया था, लेकिन काउंटिंग हमने चूंकि समय को बीच में गैप नहीं किया है, इसलिए 1627 से 1658 रखा है, ठीक है, हो गया सबका। सबका डन, आगे बढ़ूं, जल्दी कीजिए, सिर्फ 15 मिनट बचा हुआ है, जल्दी कीजिए प्लीज। हो गया सबका, चलिए। 1666 ईस्वी में, शाहजहां की मृत्यु हो गई। अब देखिए हुआ क्या, ध्यान समझिएगा, 1666 में शाहजहां की मृत्यु हुई थी। देखिए शाहजहां की बात करें, शाहजहां की बात करें, देखिएगा 1658 ईस्वी में औरंगजेब, जो शाहजहां का पुत्र था, औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया, शाहजहां को बंदी बंदी बना लिया, और स्वयं शासक बनने की घोषणा कर दी, घोषणा की, ठीक है। क्लियर है यहां तक? यहां तक मेरी बात समझ में आ गई सबको? यहां तक समझ में आ गया? जी हाँ दोस्तों, 1658 ईस्वी में, 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया और स्वयं शासक बनने की घोषणा कर दी। यहां तक क्लियर? यानी कि यहां पर औरंगजेब क्या थे? बंदी बना लिए गए थे, और माफ कीजिएगा, औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया था और आगरे के किले में रखा था, आगरे के किले में रखा था, किसको? शाहजहां को। क्लियर? और यहीं पे शाहजहां की 1666 में मृत्यु हुई थी, यहीं पर शाहजहां की, याद रखिएगा, यहीं पर 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हुई थी, शाहजहां की मृत्यु हुई थी। थोड़ा हाथ तेज चलाइए प्लीज, थोड़ा सा हाथ तेज चला लीजिए, क्योंकि कल से मॉडर्न स्टार्ट करना मैंडेटरी है मेरे लिए, ठीक ना, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, कल से मुझे मॉडर्न शुरू करना होगा, ठीक ना, क्योंकि हम बहुत पीछे हो गए हैं, ठीक है, जल्दी से कीजिएगा, ठीक ना। चलिए हो गया सबका। अब शाहजहां का पुत्र कौन था? इसका पुत्र कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब था, ठीक है। अब औरंगजेब की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा औरंगजेब की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, देखिए 1658 ईस्वी से
1707 ईस्वी तक ये शासक बना था। 1658 से 1707 ईस्वी तक क्या था? शासक था। कौन? शाहजहां, माफ कीजिए, औरंगजेब, ठीक ना। यानी औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब शाहजहां के बाद शासक बना 1658 से 1707 ईस्वी तक। आप समझ ध्यान से, औरंगजेब ने शासक बनने के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए। यही सबसे महत्वपूर्ण है जो क्वेश्चन आपसे पूछता है पेपर में। 1658 ईस्वी में, 1658 से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब शासक बना। औरंगजेब ने शासक बनने के साथ कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे। याद रखिएगा, ठीक ना। क्या वो कार्य थे, समझिए ध्यान से। पहला, इसने दरबार में संगीत पर रोक लगाई थी। ठीक है। यद्यपि इसे वीणा बजाने का शौक था, ठीक है। पहला, इसने सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद किया, होता क्या था कि सिक्कों पर कलमा लिखा होता था, ठीक है ना। जो कलमा लिखा होता था उस पर पैर पड़ते थे। भाई नीचे सिक्का गिर गया तो किसी का पैर पड़ सकता है, तो औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद किया था। इसने जजिया कर लागू किया था, पुनः जजिया कर लागू किया, ठीक है ना। अकबर ने समाप्त किया था, औरंगजेब ने फिर से शुरू किया। इसने गुरु तेग बहादुर की हत्या कराई थी। गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। यानी इसने दरबार में संगीत पर रोक लगाई। यद्यपि इसे वीणा बजाने का शौक था, इसने सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद किया, इसने जजिया कर लागू किया, इसने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। ठीक ना, क्योंकि गुरु तेग बहादुर कहा कि तुम इस्लाम धर्म ग्रहण कर लो, ठीक है। तो गुरु तेग बहादुर ने कहा कि मैं शीश दे दूंगा, अपना सिर दे दूंगा, इस्लाम धर्म को ग्रहण नहीं करूंगा। अतः इसके समय में गुरु तेग बहादुर की हत्या करा दी गई थी। ठीक है, यहां तक क्लियर सबका? यहां तक सबका डन? थोड़ा सा तेजी से कीजिए प्लीज, सिर्फ 6 मिनट बचा हुआ है, प्लीज थोड़ा सा जल्दी करिए। हो गया यहां तक? इसने दरबार में संगीत पर रोक लगाई थी, वीणा बजाने का शौक था, इसने सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद किया था, इसने जजिया कर लागू किया था, इसने गुरु तेग बहादुर की हत्या कराई थी। ठीक है, इसके समय में सर्वाधिक
हिंदू मनसबदार थे, सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे, ठीक ना? ठीक है, हिंदू मनसबदार की संख्या सबसे ज्यादा इसी समय थी ना, इसके समय में। इक्कीस प्रांत थे, इक्कीस प्रांत थे। इसने औरंगाबाद, औरंगाबाद ही महाराष्ट्र वाला है, औरंगाबाद में अपनी पत्नी पत्नी रबिया दुर्रानी, रबिया दुर्रानी के सम्मान में बीबी का मकबरा बनाया था, बीबी का मकबरा बनवाया। यही कुसुमा बाबा पूछता है, यही पूछता है बार बार। 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। सत्रह सौ सात ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। चलिए चलिए, मेडिवल फिनिश हुआ, मेडिवल फिनिश हुआ, मेडिवल मैंने पूरा फिनिश किया ऑफिशियल, ठीक है ना? पूरा मेडिवल आपका फिनिश हो गया। कल से यूरोपियन कंपनी से टॉपिक शुरू करूंगा, कल से यूरोपियन कंपनी से स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना? कल से यूरोपियन कंपनी मनसबदार, अभी तो समझाया था राज पांडे, अभी पीछे अकबर के समय में, अकबर के समय में अभी तो समझाया था मनसबदार। अब देखिए, आप ही के ग्रुप में 6-7 बच्चों ने, ठीक है ना, मैसेज ड्रॉप किया, मतलब मेल किया, मेल कर दिया था, मेल किया कि सर जो है जल्दी नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमारा पेपर एग्जाम है, ठीक है, जल्दी से उनको बोलिए कि मेडिवल खत्म कर दें, ठीक है, जल्दी से मेडिवल खत्म कर दें, ठीक है, सुन आ रहा है ना, कि मेडिवल जल्दी से खत्म कर दीजिए, ठीक है, मेडिवल से क्वेश्चंस नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं कहा ठीक है, ठीक है, तो मैं कहा ठीक है भाई, तो मेडिवल को जल्दी से समाप्त किया जाए, ठीक है ना, कल से जो है, मैं कहा ठीक है, अब कल से जो है मॉडर्न शुरू करते हैं, ठीक है, नहीं तो आप सोचिए, मैं एंशिएंट हिस्ट्री से आपको पूरा A to Z, एक एक चीज को, एक एक चीज को बैठा बैठा करके पूरा विस्तार से हर एक चीज को समझाते हुए कर रहा था, कर रहा था ना जी, ठीक है। चले, बीगम मकबरा तो माँ के लिए बनवाया था, अरे नहीं भाई, वर्षा प्रसाद जी कहाँ है माँ के लिए, ठीक है, बीबी का मकबरा अपनी पत्नी के सम्मान में बनाया था, ठीक है। अब मंजीत श्रीवास्तव जी, वो सब मॉडल में जाएगा, वो सब मॉडल में जाएगा, ठीक है, वहां से आपके क्वेश्चन जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनता है, ठीक है। जहांगीर और शाहजहां, अरे बाप रे बाप, जहांगीर का पुत्र था शाहजहां, जहांगीर का पुत्र था शाहजहां, इसके बाद कोई भी मुगल का इंपॉर्टेंट नहीं है। अब लास्ट में सीधे आएगा बहादुर शाह जफर आएगा, ठीक है। फिर कल से शुरू करेंगे, अब कल से शुरू करेंगे मॉडर्न, ठीक है, कल से। पीडीएफ ऑलरेडी अटैच है, आज का पीडीएफ अटैच नहीं है, आज का अटैच नहीं है, कल अभी रात में बैठूंगा तो अटैच कर दूंगा, ठीक है ना। चलो, अब टाइम भी हो गया है, कल अब मुलाकात करेंगे, कल अब मुलाकात करेंगे यूरोपियन कंपनी के साथ, यूरोपियन कंपनी साथ शुरू करेंगे, ठीक है, यूरोपियन कंपनी स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक ना, कल से शुरू करेंगे। मेडिवल आपका ऑफिशियली फिनिश हो गया, ठीक ना, आप लोग भी चाहते थे कि जल्दी जल्दी मेडिवल पढ़ा दिया जाए, ठीक है, ठीक है, तो मेडिवल आपको करा दिया गया, ठीक है, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है नीतू कुमार जी, ऐसा नहीं है, किसी के गुस्सा होने से नहीं होता है, पूरा कराया है, वो सारे टॉपिक कराया है, सारे कंटेंट में कोई कमी नहीं किया है, कंटेंट में सभी डाला है, जो जो क्वेश्चन आपका बन सकता है मुगल काल पे, वो सारा कराया है, ठीक ना। हाँ, अब आपको जो है कल से
मॉडर्न पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री पे पूरा फोकस करेंगे, पूरा विस्तार से फोकस करेंगे, ठीक है ना। चलो ओके पापा, टेक केयर।